यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। अन्य जातियों के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन, निको की जो सेना परात महानद के तीर पर कर्कमोश में थी और बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने उसे योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में मार लिया था, उस सेना के विषय ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पैना करो, झिलमों को पहन लो। मैं उनको व्याकुल क्यों देखता हूं? वे विस्मित होकर पीछे हट गए और उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है, न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में परात महानद के तीर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी की नाई जिसका जल महानदों का सा उछलता हुआ बढ़ा चल आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है और उसका जल महानदों का सा उछलता है, और वह कहता है मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं निवासियों समेत नगर नगर को नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों चढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कुशी और पुतिवीरों, हे धनुर्धारी लुदियों चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा जिसमें वह अपने द्रोहियों से पलटा लेगा, सो तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लोहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, क्योंकि तू चंगी तो नहीं होगी। सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है, वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से इस विषय का कि बाबुल का राजा नबूखदनेस्सर क्यों कर आकर मिस्र देश को मार लेगा यह वचन भी कहा कि मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हां और नोप और तपन्नेस में सुनाकर यह कहो कि खड़ा होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तेरी चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है, तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए हैं? यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया इस कारण वे खड़े न रह सके, उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, हां ये एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे उठो चलो, हम कराल तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों को और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहां वे पुकार के कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया है। वह राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध जैसा ताबोर और पहाड़ों में और जैसा कर्मेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री बंधुआए में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, बस वह आ ही गया है और उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं वह पोसे हुए बछड़ों के समान है,
कि उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए और खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना भी हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो, मैं तो नगरवासी आमोन और फिरौन राजा, उसके सब देवताओं और राजाओं समेत मिस्र को और फिरौन को, उनके समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं, दंड देने पर हूं, और मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है, और उसके बाद वह प्राचीन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। सो याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और यद्यपि उन सब जातियों का जिनमें मैं तुझे बरबस कर दूंगा अंत कर डालूंगा, पर तेरा अंत न करूंगा। तेरी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा, और तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा।